डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और ये वीडियो बहुत ही खास है जिसमें हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.7.3 को कवर किया है और टॉपिक का नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसमें आप परम्यूटेशन का इम्पोर्टेंस और परम्यूटेशन का यूज समझेंगे। तो पहले मैं परम्यूटेशन के लिए जो फॉर्मूले का यूज है, एनपीआर की वैल्यू होगी फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये है एनपीआर। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट करके अरेंज करना। तो ये है अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स, अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन From n objects, arrangement of r objects from n objects, r चीजों का arrangement है n चीजों में से, ये आप ध्यान रखना। और ncr थोड़ा different है, ncr में है selection of r objects from n objects या selection of r things from n things। इसमें सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों है, इसमें केवल सिलेक्शन है, इसमें सिलेक्शन है और इसमें सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट दोनों है, इसमें सिलेक्शन भी है और अरेंजमेंट भी है, इसमें केवल सिलेक्शन है। तो एनपीआर और एनसीआर में थोड़ा सा डिफरेंस है, फिर से मैं बताता हूं। जैसे आप देख लीजिए ए बी सी तीन चीजें हैं, इन तीन चीजों में से दो चीजें अगर सिलेक्ट करने को कहें तो वो दो चीजें क्या हो सकती हैं? ए बी हो सकती है, ए सी हो सकती है और बी सी हो सकती है। ये हो गया कॉम्बिनेशन सी। परम्यूटेशन में होगा इन तीन चीजों में से दो चीजें सिलेक्ट की और उन दोनों को जमा के भी देखना है। तो जैसे हमने ए बी दो सिलेक्ट की तो इनको दोनों को जमा के देखेंगे तो ए बी बी ए, और दो ए सी सिलेक्ट किया तो ए सी सी ए, अगर हमने बी सी बी और सी लिए तो बी सी सी बी। तो इसमें टोटल जो होंगे वो छह होंगे और इसमें कॉम्बिनेशन में देखिए इसमें तीन है। तो कॉम्बिनेशन की वैल्यू एनसीआर की वैल्यू एनपीआर से कम होती है या कभी बराबर भी हो सकती है। तो एनसीआर इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू एनपीआर। इसमें सिलेक्शन है, सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट भी है। जैसे आपने देखा कि हमने ए बी सी तीन चीजें थी, तीन चीजों में से दो चीजें सिलेक्ट की, अब ए बी लिखेंगे या बी ए लिखेंगे एक ही चीज होगी, पर इसमें ए बी और बी ए दोनों अलग अलग होंगे। तीन चीजों में से दो लेना है, दो लेने के बाद जमाना है। अगर इसमें से तीन चीजों की जगह हमारे पास चार होती, मान लीजिए अपने पास चार होते ए बी सी, या चार नंबर ले लो आप 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 चार डिजिट्स है, चार। अब चार में से तीन लेना है हमें, तो तीन कौन कौन से ले सकते हैं हम? 1 2 3 एक ले सकते हैं, दूसरा ले सकते हैं 1 2 4, तीसरा ले सकते हैं 1 3 4, चौथा ले सकते हैं 2 3 4। तो ये कितने केसेस हो गए? चार केसेस। क्या किया बेसिकली? एक बार फोर को छोड़ दिया था, एक बार थ्री को छोड़ दिया था, एक बार टू को छोड़ा और एक बार वन को, क्योंकि तीन नंबर लेना थे। तो जब हमने फोर को छोड़ा तो हमारे पास क्या आ गए? 1 2 3। जब हमने थ्री को छोड़ा तो हमारे पास कौन आ गए? हमारे पास आ गया है 1 2 4। जब हमने टू को छोड़ा तो फिर हमारे पास आ गया था 1 3 4, और जब हमने 1 को छोड़ा था तो हमारे पास आ गया था 2 3 4। ऐसे चार केसेस बने। अब कॉम्बिनेशन में चार केसेस बने क्योंकि चार चीजों में से तीन चीजें सिलेक्ट करना थी और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 4C3 के बराबर। कॉम्बिनेशन अगर आप देखेंगे तो कॉम्बिनेशन का भी मैं यहां फॉर्मूला कोट कर देता हूं। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। और परम्यूटेशन का फॉर्मूला है एनपीआर, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये कम होता है उसमें।
ये वैल्यू नहीं होती है। मतलब अगर एनसीआर को ऐसा भी लिख सकते हो आप, ये यहां से लेके यहां तक क्या हो गया, यहां से लेके यहां तक हो गया आपका एनपीआर और अपॉन में आर फैक्टोरियल। और अगर ये आर फैक्टोरियल आप यहां नहीं रखना चाहते हो, आप यहां भेजना चाहते हो, तो यहां भी भेज सकते हैं। तो ये फॉर्मूला था दोस्तों एनसीआर का। तो 4C3 की वैल्यू इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूले से, तो 4C3 वैल्यू आएगी 4। मतलब चार चीजें थी, तीन लेना थी, 1, 2, 3 ली, कभी हमने 1, 2, 4 लिया, कभी 1, 3, 4 लिया, कभी 2, 3, 4 लिया। तो ऐसे चार नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं, चार पेयर, ठीक है, पेयर भी तीन तीन के। अब अगर हमने 1, 2, 3, 4 में से तीन नंबर सिलेक्ट कर लिए, तीन डिजिट सिलेक्ट कर लिए, और फिर उनको हमने, जैसे मान लीजिए हमने पहले 4 को छोड़ा था उसमें, तो हमने कौन से ले लिए, तीन डिजिट्स, हमने तीन डिजिट्स ले लिए 1, 2, 3। तो अब हमें नंबर भी बनाना है, सिलेक्शन में जमाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन परम्यूटेशन में अरेंज भी करना है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 10 खिलाड़ी हैं, 10 खिलाड़ी में से तीन खिलाड़ी लेना है, तो लिखेंगे 10C3, 10 खिलाड़ी में से तीन खिलाड़ी ले लिए, लेकिन उन्हें जमाने की जरूरत नहीं है, पर यहाँ पे जमाना भी पड़ेगा। तो जमाना पड़ेगा, तो 1, 2, 3 है, आपने एक जैसे उसमें से चार को छोड़ दिया था, तो एक केस था आपके पास, कौन सा केस था, वो 1, 2, 3 का केस था, 1, 2, 3। तो परम्यूटेशन में भी 1, 2, 3 आएगा, लेकिन परम्यूटेशन में 1, 2, 3 के सारे अरेंजमेंट भी आएंगे, जैसे 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 और 3, 2, 1। तो ये टोटल केसेस भी आएंगे, मतलब पहले सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम उनको जमाएंगे भी। सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद जमाना भी है। अभी ये तो एक केस हुआ। अब इसके बाद जब आप 3 को छोड़ देंगे, तो फिर कौन से लेंगे आप, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 4 लेंगे, तो 1, 2, 4, 1, 2, 4 के फिर ऐसे ही बनेंगे केसेस। लेकिन हमें सारे केसेस नहीं लिखना है, हमें केवल नंबर बताना है कि हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स विल बी देयर। तो हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स विल बी देयर में क्या आएगा आपका आंसर, आपका आंसर आएगा 1, 2, 3, 4। ये चार डिजिट्स हैं, इसमें से तीन डिजिट लेके आपको अगर जमाना है तो हो जाएगा केस, उसका आंसर 4P3। तो क्वेश्चन किस टाइप का होगा, क्वेश्चन बहुत आसान है, आप बिल्कुल क्वेश्चन पे मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन इस तरीके का होगा, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स। फिर से समझिए, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4। चार डिजिट में से तीन डिजिट के नंबर कितने बन सकते हैं, इसमें पूछ रहा है कि कितने बन सकते हैं। तो कितने बन सकते हैं, तो पहले तीन आपको इसमें से डिजिट लेने पड़ेंगे, फिर लेने के बाद उनको जब जमाएंगे तब नंबर जाके बनेंगे। जैसे तीन नंबर कौन से लिए थे, मैंने आपको बताया था, एक 1 ले लिया, एक 3 ले लिया, एक 4 ले लिया। अब तीन इसमें से 1, 3, 4 ले लिए, तो नंबर कौन कौन से बन सकते हैं, नंबर बन सकता है 134, 143, 431, 413, 314, 341, इस तरीके के अलग अलग नंबर बन सकते हैं इन तीनों से, 1, 3, 4 से। 1, 2, 4 लेंगे तो उनसे भी बन सकते हैं। तो और कॉम्बिनेशन में क्या होता कि इन हाउ मेनी वेज थ्री नंबर्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4 में से तीन नंबर कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें ये नहीं कहेंगे कि हाउ मेनी वेज दे कैन बी अरेंज्ड या हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, कितने तरीके से नंबर, कितने नंबर बन सकते हैं, ऐसा नहीं पूछेंगे। उसमें पूछेंगे इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी सिलेक्टेड। जैसे मान लीजिए कि एक कमेटी बनाना है, चार लड़के तीन लड़की है और पांच लोगों की कमेटी बनाना है। फिर से मैं बता देता हूं, चार लड़के तीन लड़कियां हैं और इनमें कमेटी बनाना है पांच लोगों की, जिसमें आपको पांच लोगों की बनाना है और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं हो, तो टोटल लोग कितने हैं, सात लोग हैं, सात में से पांच की कमेटी बनाना है। कमेटी बनाना है, पर कमेटी के लोग को जमाने की तो जरूरत नहीं होती है, कमेटी केवल हमने सिलेक्ट कर ली, कमेटी सिलेक्ट कर ली तो बस हो गया। जैसे आपको मान लीजिए कि एक पिकनिक पे जा रहे हैं आप लोग, एक पिकनिक पे जा रहे हैं आप, 10 दोस्त हो, 10 दोस्त में से आपको तीन दोस्तों को ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर से मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, आप 10 दोस्त हो,
टीचर किन्हीं तीन लोगों को ले जाना चाहती है, दस में से कितनी तीन को ले जाना चाहती है, तो दस में से तीन को लेगी तो टीचर ए वन से लेके कितने दोस्त हैं आप, ए टेन दोस्त हैं। अब दस में से किसी तीन को ले जाना चाहती है टीचर, तो टीचर के पास तीन लोगों को सिलेक्ट करना है, तो तीन दस कितने हैं, दस दोस्त हैं, टीचर को तीन सिलेक्ट करना है, तो वो लिखेंगे 10C3। क्या लिखेंगे, 10C3। लेकिन इन्हीं दस दोस्तों में से तीन दोस्तों को एक फोटोग्राफ कराना हो तो क्या करेंगे, तो टीचर दस में से किसी तीन को लेगी और तीन को लेकर और उनको तीनों को किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो मान लीजिए कि तीन दोस्त कौन कौन से सिलेक्ट कर लिए टीचर ने, एक A1 ले लिया, एक A3 ले लिया और एक A5 ले लिया, तो तीन दोस्त मान लीजिए टीचर ने सिलेक्ट कर लिए A1, A3, A5, अभी इनको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर वो बोला कि सिलेक्ट करना है, इनके फोटोग्राफ्स कराना है और फोटोग्राफ्स में कितने डिफरेंट फोटोग्राफ्स आ सकते हैं, तो तीन स्टूडेंट कौन से सिलेक्ट हो गए, A1, A3, A5, आप तीन सिलेक्ट हो गए। अब फोटोग्राफ के लिए कैसे हो सकते, A1, A3, A5, A1, A5, A3, A3, A1, A5, A3, A5, A1, A5, A1, A3, A5, A3, A1, 6 केसेस होंगे, 3 फैक्टोरियल नेचुरली। तो कहने का मतलब है कि अगर टीचर ने 10 स्टूडेंट में से 3 स्टूडेंट को कहीं पिकनिक ले जाने के लिए, कोई कमिटी बनाने के लिए, कोई मीटिंग कराने के लिए या किसी खास पर्पस के लिए चुनना है, सिलेक्ट करना है, तो उनके पास 3 स्टूडेंट कोई से भी हो सकते, आप वो, ऐसे तीन कोई भी स्टूडेंट हो सकते हैं कि इनको सिलेक्ट कर लिया, लेकिन उनको जमाने की तो जरूरत नहीं ना उन्हें, तो उन्हें जब जमाने की जरूरत नहीं है तो आंसर क्या होगा, 10C3। लेकिन जब उन्हें टीचर को जमाना पड़े सिलेक्ट करके जमाना भी पड़ेगा, तो फिर उनको लिखना पड़ेगा 10C3 × 3 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि ये तीन स्टूडेंट को ले लिया, फिर तीन स्टूडेंट को जमाना भी है, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, उनको अरेंजमेंट करने के तरीके × 3 फैक्टोरियल होगा, तो यही वैल्यू दोस्तों क्या बन जाएगी, दिस वैल्यू विल बिकम 10P3। हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे संभव होगा, लेट अस सी, ध्यान से देखिए। मैंने आपको कहा एनपीआर का वैल्यू कितना है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, क्लियर। अब अगर इसमें ऐसा कर दिया जाए, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल कर दें, तो यहां पे भी r फैक्टोरियल करना पड़ेगा, तो ये क्या चीज बन जाएगी, ये बन जाएगी ncr इंटू r फैक्टोरियल, और ये क्या है, ये लिखा हुआ है npr इज इक्वल टू ncr इंटू r फैक्टोरियल। तो कहने का मतलब है, यहां पे क्या लिखा था मैंने आपको, तो आपने यहां पे देखो, ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ था 10C3 × 3 फैक्टोरियल, ये लिखा था 10, जो मैंने लिखा हुआ था आप उसको रिवाइंड करके देख सकते हो, मैंने रब कर दिया यहां पे, पर आप उसको रिवाइंड करके देख सकते हो कि यहां लिखा था 10C3 × 3 फैक्टोरियल, तो 10C3 × 3 फैक्टोरियल क्या बनेगा इस हिसाब से, वो बन जाएगा 10P3, वो क्या बन जाएगा 10P3। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन भी है, यू कैन कीप दिस रिलेशन इन योर माइंड, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जा सकता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। कॉम्बिनेशन में जब बात आती है, तो कॉम्बिनेशन इज स्टैंडिंग फॉर सिलेक्शन ओनली, कॉम्बिनेशन में सिलेक्ट करने के तरीके, इन इंग्लिश एंड इन मैथमेटिक्स कॉम्बिनेशन इज हैविंग डिफरेंट मीनिंग, तो कॉम्बिनेशन का यहां पे मीनिंग केवल सिलेक्शन से है, और वहां कॉम्बिनेशन का मीनिंग होता है इंग्लिश में जमाने से, यहां जमाने को अरेंजमेंट कहते हैं, और यहां कॉम्बिनेशन का मतलब होता है केवल सिलेक्शन। तो सिलेक्ट करने के लिए हम सी का यूज करते हैं, सिलेक्शन और अरेंजमेंट करने के लिए हम पी का यूज करते हैं। और ध्यान से देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3-डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट्स वन टू थ्री अप टू नाइन, ऐसा क्वेश्चन है, मैंने ये लिखा नहीं, ध्यान से मेरा उतर गया, 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। और एक और बात ध्यान रखना है, इसमें डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, तो 1 to 9 में हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, 9 डिजिट्स आर देयर,
नौ डिजिट में से कितने डिजिट लेना है अपने को, नौ डिजिट में से तीन डिजिट लेना है. तो इट हाउ इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, दिस कैन बी डन इन 9P3 वेज. क्यों, नौ डिजिट में से तीन डिजिट लेना है, तीनों डिजिट्स को फिर जमाना भी है. हाउ वी शैल कम टू नो दैट अरेंजमेंट शुड बी डन, जमाने का कैसे पता चलेगा. तो आप इसको क्वेश्चन को देखो तो यू विल रियलाइज हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, तीन डिजिट नंबर कितने तरीके से बन सकते हैं. तो इसका मतलब है खाली डिजिट सिलेक्ट नहीं करना है, खाली डिजिट सिलेक्ट नहीं करना है, डिजिट्स टू बी सिलेक्टेड एंड देन नंबर टू बी फॉर्म्ड. पहले डिजिट सिलेक्ट करना है फिर नंबर भी बनाना है. तो दिस कैन बी डन इन 9P3 वेज. इसी को कॉम्बिनेशन की मदद से कोई करता तो कैसे करता, इन नाइन में से तीन नंबर सिलेक्ट कर लेता 9C3, और तीन नंबर्स को जमाने के तरीके हो जाते इंटू थ्री फैक्टोरियल, और दिस विल बी सेम एज दिस. ये एक ही तरीके से होगा. और इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल. 9 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 9, 8, 7, 6 पे रोक देंगे. क्यों, क्योंकि नीचे भी 6 फैक्टोरियल है, ये 6 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया. तो ये अपने पास आ गया 9 × 8 × 7, तो 9 × 8 = 56, 9 × 56, तो 56 को लिख दिया 50 + 6, कैलकुलेट करने में आसानी हो जाएगी. 9 × 5, 9 × 5 = 45, तो ये 450, और ये हो जाएगा 54, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 504. अब अगर इसको आप इस मेथड से नहीं करना चाहते, एक और मेथड है, देयर इज वन मोर मेथड नोन एज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी मैंने आपको सिखाई हुई है. आप इसके लिए प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो भी देख सकते हैं. और एक्सरसाइज 7.1 जो है, ये 7.3 एक्सरसाइज है, 7.1 एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी की, वो इसी पे बेस्ड है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में. तो यहां पे ध्यान से सुनो, ये हम कितने डिजिट के नंबर बना सकते हैं, सॉरी बनाना है हमें तीन डिजिट के नंबर्स, तो हमने तीन ऐसे बॉक्सेस बना दिए. अब इसमें जो फर्स्ट वाला है ये प्लेस है, हमको तीन डिजिट के नंबर बनाना है. इस प्लेस को हम कितने डिजिट से भर सकते हैं, तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय एनी ऑफ दीज 9. इसमें 9 चॉइसेस हैं, इसको भरने के 9 तरीके हैं, 1 से लेके 9 तक कोई भी भर दे. तो मान लीजिए कि आपने इसमें कोई भर दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. मान लीजिए कि आपने इसमें 7 नाम का डिजिट भर दिया है, तो मन से इस 7 को निकाल दे. फिर मान लीजिए कि ये 7 नाम का डिजिट आपने भर दिया, तो अब इस 7 को निकाल दे, क्योंकि इसमें लिखा है नो डिजिट इज रिपीटेड, कोई डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए. तो मान लीजिए कि 7 आपने भर दिया, इसको आप अपने मन से दिमाग से निकाल दीजिए. तो इसको अब अपने पास इसको भरने के लिए कितनी चॉइसेस हैं या कितने अवेलेबल डिजिट्स हैं, तो इसको भरने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एट चॉइसेस हैं. मान लीजिए इसको भी आपने किसी डिजिट से भर दिया, इनमें से किसी में से, मान लीजिए आपने 9 से ही भर दिया, 9 नाम के डिजिट को भर दिया यहाँ पे, तो एक और चॉइस आपके पास कम हो गई. अब आपके पास जो अवेलेबल चॉइसेस हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसको भरने की कितनी चॉइसेस हैं, 7 चॉइसेस हैं. तो ये हो गया आपका आंसर 9 × 7, 8 × 7, अगेन द आंसर विल बी 504, 504, 504, 504, 504, 504 होंगे. और ध्यान से सुनिए, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, और वो जो पीछे से लॉजिक बताया था वो परम्यूटेशन का था. तो आप साथ साथ बने रहे, इस पूरी एक्सरसाइज को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और पूरी एक्सरसाइज पे हम बात करेंगे और बहुत ही कंसेप्चुअली बात करेंगे, ताकि आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर होंगे. और कॉम्बिनेशन अगर आप चाहते हैं तो कॉम्बिनेशन के लिए भी आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. हाउ मेनी, इधर देखते हैं, अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑलरेडी रिटन ओवर हियर. हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड. अगर हाँ, एक और बात बताना चाहता हूं इन द फर्स्ट क्वेश्चन, अगर डिजिट्स रिपीट हो सकते थे तब परम्यूटेशन लगेगा क्या? नो, देन परम्यूटेशन कैन नॉट बी अप्लाइड, तब परम्यूटेशन का यूज नहीं होगा.
क्यों परम्यूटेशन का यूज नहीं होगा? तो मैं आपको बताता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके पास थे, 9 डिजिट से, तो 9 में से आपने 3 ले लिए, तो 3 कौन से ले लिए? ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया। अब 1 2 4 ले लिए मान लो, तो अब इनको जमाओगे आप, तो कभी 1 2 4 होगा, 1 4 2 होगा, 2 1 4 होगा, तो इसमें डिजिट्स का रिपीट हो रहे हैं। लेकिन अगर बोल रहे हैं कि डिजिट्स बीइंग रिपीटेड, अगर डिजिट्स या डिजिट्स मे बी रिपीटेड, तो फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग काम नहीं कर, ओ सॉरी, ये काम नहीं करेगा परम्यूटेशन। परम्यूटेशन में तो आपको चीजें सिलेक्ट करना है, फिर उनको जमाना है, फिर क्या होता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे आता 9, कि इन 9 में से किसी का भी यूज हो सकता है। एंड टू फिल दिस बॉक्स अगेन देर आर 9 चॉइसेस। कब? जब डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, पर आपका जो क्वेश्चन था उसमें डिजिट्स नॉट बीइंग रिपीटेड है, तो उसका आंसर तो वो खत्म हो गया, 9 × 8 × 7। आई एम सेइंग दैट इफ योर क्वेश्चन इज इफ द डिजिट्स बीइंग रिपीटेड, तो यहाँ पे 9 9, और इसको भी भरने की 9 चॉइसेस होंगी, तो ये आपका आंसर होगा 9 to the power 3, 9 cube। अब हम दोस्तों अगला क्वेश्चन आफ्टर वो डिस्कस करते हैं, इस क्वेश्चन में क्या करना है। तो यहां ध्यान से देखो, हाउ मेनी 4-digit नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड, एंड वी आर नॉट गिवन दिस टाइम डिजिट्स, डिजिट्स हमें नहीं दिए, तो डिजिट्स कौन होंगे? डिजिट्स वो होंगे जो पुराने आपके जो होते हैं ओरिजिनली, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं दोनों तरीके से आपको आंसर बताऊंगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से और परम्यूटेशन से। तो आपको 4-digit नंबर्स बनाना है, तो 4-digit नंबर बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेक अ बॉक्स हैविंग 4 boxes, एक बॉक्स बड़ा सा जिसमें 4 boxes हो। अब यहां ध्यान रखो, दिस प्लेस कैनॉट बी ऑक्यूपाइड बाय 0, तो परम्यूटेशन पूरे में काम नहीं कर सकता है, क्योंकि यहां सम रेस्ट्रिक्शन इज देयर। व्हाट रेस्ट्रिक्शन इज दिस? इसमें एक रेस्ट्रिक्शन है कि यहां पे 0 नहीं हो सकता, 0 bar मींस दिस प्लेस कैनॉट बी ऑक्यूपाइड बाय 0। तो विच कैन ऑक्यूपाई दिस प्लेस? दीज 9 डिजिट्स कैन बी फिल्ड इन दिस प्लेस, तो वी हैव 9 चॉइसेस टू फिल दिस, इसको भरने की 9 चॉइस है। मान लीजिए कि आपने इसमें से एक नंबर भर दिया, ऐसा सोच लें आप कि 6 मैंने भर दिया है यहां पर। अब आपके पास कितने डिजिट्स बचे? अब आपके पास हाउ मेनी डिजिट्स नाउ डू यू हैव? अब आपके पास डिजिट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब आपके पास 9 डिजिट्स है, और बॉक्सेस कितने हैं? बॉक्सेस कितने? 3 है, 9 डिजिट्स हैं, 3 बॉक्सेस हैं, 9 में से 3 को चुनना है, सिलेक्ट करना है, और फिर जमाना भी है। क्यों? क्योंकि आपको पूछ रहे हैं कि नंबर्स फॉर्म करना है, तो नंबर्स फॉर्म करना है। एंड हाउ मेनी डिजिट्स नाउ डू वी हैव? अब हमारे पास 9 डिजिट्स हैं और इन तीनों को भरना है, तो अगेन वी हैव हाउ मेनी चॉइसेस? 9p3, ध्यान से सुने, 9p3, 9 में से 3 लेना है, तीनों को जमाना है, लेना है जमाना है, तो 9p3। केवल लेना लेना होता तो क्या करते अपन? केवल लेना लेना रहता है तो 9c3 करते, लेना भी है, एंड मतलब यहाँ इंटू होता है, एंड इन तीनों को जमाना भी है, तो (3)। इसका और इसका वैल्यू सेम आएगा, तो ये रहने देते हैं, इसको अभी इसी से काम चला लेते हैं। हाँ, लेकिन इसके लिए ये भी है, पहली प्लेस में कौन आ सकता है? 9, तो इसका आंसर होगा, जो आंसर विल बी 9 × 9p3, 9 × 9p3, एंड लेट्स सी व्हाट इज इट्स वैल्यू। 9 × 9p3 का वैल्यू है 9 × 9, 9 − 3, 6. अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या जाएगा, वो कैलकुलेट यहां कर लेते हैं, 9 × 9, 8, 7, 6 अपॉन में भी 6 है, 6 कैंसिल कर देना, अब आपका आंसर आ जाएगा 9 × 9, 81 × 56, यू कैन कैलकुलेट इट, ये आप कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर एट द लास्ट आएगा 9987। अब इसी चीज को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करते हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है?
फिर ध्यान से सुनिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है कि पहली प्लेस को कितने से भर सकते हैं, नौ में से किसी से, जीरो को छोड़ के। अब इस प्लेस में मान लीजिए सिक्स भर दिया मैंने, अब हमारे पास अवेलेबल डिजिट्स कौन से हैं, जीरो वन टू थ्री, क्योंकि अब तो जीरो भर सकते हैं, तो इसको भरने के कितने तरीके हो गए, अगेन वी हैव नाइन चॉइसेस। मान लो मैंने इसमें जीरो भर दिया, मान लीजिए कि मैंने इस पोजीशन में जीरो भर दिया, तो एक चॉइस मेरी और कम हो गई इसकी और इसकी। अब मेरे पास कितनी चॉइसेस बची, तो अब मेरे पास बची है एट चॉइसेस। अब मान लो इन एट चॉइसेस में मैंने एक नंबर कोई सा ये भर लिया, तो एक चॉइस और मेरी कम हो गई, एक चॉइस और कम हो गई। अब मेरे पास कितनी चॉइस है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इसको भरने के लिए मेरे पास ये चॉइसेस है। तो वही आया आपका आंसर, नाइन इंटू नाइन इंटू एट इंटू सेवन। अब आप किस तरीके से आंसर करोगे, इट इज अप टू यू, वेदर यू चूज इट मीन्स वेदर यू चूज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और दिस परम्यूटेशन कंसेप्ट, तो ये आपके ऊपर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आप कैलकुलेट कर लें, है ना। ओ तो ये 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 दोनों से ही आएगा आंसर। आप चाहेंगे तो इसको वो 9 इंटू 9 में अपने तरीके से भी आपको बता देता हूं, 9 इंटू 9 आएगा 81, 8 7 जा 56। अब आप इसको मैं तो वो 81 इंटू 56 कर दें आप, तो ये आपके पास आ जाएगा 6 बन जा 6, 6 8 जा 48, 5 से कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 5 बन जा 5, 5 8 जा 40, तो ये आपके पास आ गई वैल्यू 6, ये 3, 8, 5 और ये आ जाएगा आपके पास 13 था तो 1, 5, 4, 5, 3, 6, तो ये आपका होपफुली आंसर होगा, आप चेक कर लीजिएगा। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, और हम डिस्कशन बहुत सारा करेंगे, बहुत सारी बात करेंगे, लेकिन आप साथ साथ बने रहे। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन इज देयर, ओनली सिलेक्शन इज देयर, इन परम्यूटेशन सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट बोथ आर देयर। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं हम, तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहे हैं हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड फ्रॉम नो डिजिट रिपीटेड, 1 2 3 4 6 7 नंबर्स डिजिट्स है हमारे पास, 1 2 3 4 6 7, और हमसे 1 2 3 4 6 7 में से 3 डिजिट इवन नंबर्स के लिए बोल रहे हैं, 3 डिजिट इवन नंबर्स और रिपीटेशन नॉट अलाउड, 3 डिजिट इवन नंबर्स और रिपीटेशन, नो रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स, नो रिपीटेशन है, सही है, डिजिट्स का नो रिपीटेशन। यस, नो रिपीटेशन इज अलाउड। No digits is to be repeated. तो no digits is to be repeated के लिए क्या लिखा हुआ है, तो ध्यान से सुनो, आपके पास जो digits है 1 2 3 4 6 7 है, 1 2 3 4 6 7, 1 2 3 4 6 7 में आपको कितने digit के बनाना है, आपको 3 digit के बनाना है। ये 3 digit के लिए आपने 3 boxes बना दिए। अब ध्यान से सुनिए, अब इसमें इवन बनाना है, तो इवन बनाने के लिए इसमें तो रेस्ट्रिक्शन रहेगा, इसमें क्या रेस्ट्रिक्शन रहेगा, इसमें रहेगा कि आप 2 भर सकते हैं, 4 भर सकते हैं, 6 भर सकते हैं। इस प्लेस को भरने के लिए आपके पास 3 डिजिट्स अवेलेबल है, 2 4 6, तो यहां पे आप 3 डिजिट में कोई भी 3 तरीके से भर सकते हैं, आप 2 4 6 में से 2 भर दो, 4 भर दो, 6 भर दो। मान लीजिए कि आपने इसमें से 4 भर दिया, तो आपका ये 4 कम हो गया। अब इन दोनों प्लेसेस को भरना है और आपको परम्यूटेशन का यूज करना है, तो अब आपके पास जो अवेलेबल डिजिट्स है वो है 1 2 3 6 7, तो टोटल डिजिट्स आपके पास 5 हैं, 2 प्लेसेस भरनी है आपको, तो ये हो जाएगा 5p2 into this 3, तो ये 5p2 का वैल्यू होगा, 5p2 का वैल्यू होगा, इधर देखेंगे
P2 का वैल्यू होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 5 120 लिख दो डायरेक्ट, और 5 माइनस 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 3 फैक्टोरियल विच इज 6, इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 20, और इनटू में क्या है इसके 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 60। और आंसर विल बी व्हाट 60। लेकिन अगर आप इसको ऐसे करें, फंडामेंटल प्रिंसिपल आप काउंटिंग से करते हैं, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से इसको ध्यान से देखें कि इसको भरने की आपके पास 3 चॉइसेस हैं। इससे आपने इसको भर दिया, मान लीजिए 4 भरा, तो अब आपको इसको भरने की 5 चॉइसेस हैं, इसको भरने की 4 चॉइसेस हैं। आपको बोला था इवन नंबर, तो इवन नंबर इसलिए हमने पहले फोकस किस पे किया, पहले फोकस हमने किया इस प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे, क्योंकि यूनिट प्लेस में इवन नंबर होना जरूरी है अगर नंबर हमें इवन चाहिए तो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फाउंड फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5, इफ नो डिजिट इज रिपीटेड हाउ मेनी दीज विल बी इवन। तो देर आर 2 क्वेश्चन, एक तो हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है, क्वेश्चन नंबर 4 है 1, 2, 3, 4, 5, तो पहले तो 4 डिजिट नंबर्स बनाना है। 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए आपके पास 4 डिजिट है, सॉरी 5 डिजिट है, 4 प्लेसेस हैं, और नो डिजिट रिपीटेड, नो डिजिट 4 डिजिट नंबर्स आर टू बी फॉर्म, और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो यहां पे लिखेंगे डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड ऐसा दिया हुआ है। तो फिर हम इसमें परम्यूटेशन का यूज कर सकते हैं कि अवेलेबल डिजिट से 5, प्लेसेस से 4, तो आंसर हो जाएगा आपका 5P4, आंसर हो जाएगा 5P4। अब वैल्यू कैलकुलेट कर लो, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का वैल्यू 120 है, इसका वैल्यू 1 है, तो आंसर आएगा 120। अगर इसी चीज को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करेंगे, इस प्लेस को भरने के तरीके 5 हैं, एक मान लीजिए कोई भी इस पोजीशन को आपने किसी से भर दिया, मान लीजिए 4 से भर दिया, तो अब आपके पास डिजिट्स हैं 4, मान लीजिए आपने 2 भर दिया, यहाँ एक और कम हो गया, अब आपके पास है डिजिट्स 3, इसको भरने के 2 डिजिट्स, तो ये ऐसे ऐसे करके इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 120। अब इसमें पूछ रहा है कि हाउ मेनी 4 डिजिट इवन नंबर्स आर देयर, तो 2 क्वेश्चन है इसमें, पहले क्वेश्चन का आंसर है 120। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, तो यहां पे 2 डिजिट आ सकते हैं, 2 आ सकता है और 4 आ सकता है, तो 2 और 4, इसको भरने की चॉइसेस कितनी है, ओनली 2 चॉइसेस आर देयर टू फिल दिस, या तो 2 भर दो या 4 भर दो। मान लो इसमें से हमने 2 भर दिया या 4 भर दिया, क्योंकि 2, 2 एक जैसे दिखेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा, मान लीजिए आपने 4 भर दिया, अब आपको इसको भरना है, अब कितनी प्लेसेस है आपके पास, 1, 2, 3 प्लेसेस आर देयर, और जो अवेलेबल डिजिट्स है वो कितने हैं आपके पास, 4, तो इन तीनों को भरने के तरीके कितने हो जाएंगे आपके पास, 4P3, तो 4P3 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास, इंटू हो जाएगा 2, 4P3 इंटू 2, तो ये जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल विच इज 1 इंटू 2, 4 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 24 इंटू 2, 48, ये इसका आंसर आ गया 48। अगर मान लीजिए कि अगर आप परम्यूटेशन नहीं यूज करते, डायरेक्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज करते हो, तो यहां पर एक डिजिट यहां खर्च हो गया, मान लीजिए 2 यहां पे 4 खर्च हुआ था, इसको अब यहां से भरना चालू करेंगे, तो यहां भरेंगे तो यहां पे हम सबसे पहले क्या भर सकते हैं, तो यहां पे हमारे पास जो डिजिट्स है 1, 2, 3, 5 है, तो मान लीजिए मैंने यहां 5 भर दिया, क्योंकि इसको भरने के मेरे पास 4 चॉइसेस हैं, मान लीजिए मैंने 5 भर दिया, अब 5 को भी सर्कल कर देते हैं, अब हमारे पास इसको भरने के 3 डिजिट्स हैं, कोई से भी, मान लीजिए मैंने यहां 2 भर दिया, तो मेरे पास एक चॉइस और खत्म हो गई, अब यहां पे 1 और 3 है, तो इसको भरने के लिए भी 2 चॉइसेस हैं, तो ये हो गए आपके पास 4, 3 जा 12, 2 जा 24, 2 जा 48, तो दोनों तरीके से आंसर क्या आएगा, सेम। पर हाँ, अगर ऐसा बोलते कि इफ डिजिट्स
कैन बी रिपीटेड, तो फिर पी का यूज नहीं कर सकते हैं, तब पी का यूज नहीं कर सकते हैं, तब आप परम्यूटेशन का यूज नहीं करेंगे, पी का यूज नहीं करेंगे। अब आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन वाइस चेयरमैन अज्यूमिंग दैट वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन ऑप्शन। अब आपका क्वेश्चन नंबर है 5, आपके पास टोटल पर्सन कितने हैं, 8 पर्सन आर देयर, और 8 पर्सन में से आपको क्या चुनना है, एक चेयरमैन चुनना है, वन चेयरमैन एंड वन वाइस चेयरमैन, और दूसरा चुनना है आपको वाइस चेयरमैन, एक चेयरमैन लेना है और एक वाइस चेयरमैन लेना है, और दोनों एक से ज्यादा पोस्ट नहीं ले सकते, अगर एक से ज्यादा पोस्ट कोई ले सकता था फिर परम्यूटेशन नहीं लगेगा। तो आपके पास 8 पर्सन आर देयर एंड 2 पोजीशंस टू बी फिल्ड, तो ये दिस कैन बी डन इन 8p2 ways, तो ये हो जाएगा आपका 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 2 फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल कर देंगे, 8 7 जा 56, और इसी को फंडामेंटल प्रिंसिपल आप काउंटिंग से कैसे करेंगे, यहां इसको 8 पोजीशन से 8 चॉइसेस से इसको भरने की, 8 लोगों में से किसी 8 से किसी भी 8 से इसको भर सकते हैं, एक पोजीशन को चेयरमैन की और वाइस चेयरमैन की पोजीशन को भरने के लिए 7 लोग हैं, तो इसका भी आंसर वही होगा 8 7 जा 56। तो दोनों तरीके से हमने देखा कि दोनों तरीके से आंसर हमारे सेम आ रहे हैं, केवल आपको परम्यूटेशन का यूज और कॉन्फिडेंस दोनों चीजें इसमें गेन करना है और समझना है कि वो क्या है। अब क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6, क्वेश्चन नंबर 6 में वी आर सपोज टू फाइंड एन, ये तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, n-1p3 is 2, np4 is equal to 1:9, ये दिया है और n की वैल्यू निकालने को कहा है कि फाइंड n, तो ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-1-3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-4, तो ये फैक्टोरियल n-4 से फैक्टोरियल n-4 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1/9, दिस इंप्लाइज फैक्टोरियल n-1 अपॉन फैक्टोरियल n को आप लिख सकते हैं n इंटू फैक्टोरियल n-1, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 1/9, क्रॉस मल्टीप्लाई कैन बी डन नाउ, तो 9 × 1 = 9 इज इक्वल टू n, देयरफॉर योर आंसर विल बी व्हाट, योर आंसर विल बी n इज इक्वल टू 9, सो योर फाइनल आंसर इज 9। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड r एंड वी आर गिवन, दो पार्ट है इसमें, फर्स्ट पार्ट 5pr इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 6pr-1, तो पहले इस पार्ट को देख लेते, फैक्टोरियल 5 अपॉन npr का जो फॉर्मूला है 5-r 2 × 6 अपॉन 6-r-1, करेक्ट है, तो देखें 5 factorial 5-r factorial, ये हो जाएगा 2 × 6 × इसको ओपन कर सकते हैं 5 factorial, तो ये 5 factorial विल बी कैंसलिंग, ये हो जाएगा 6-, ये -×+, तो 7-r, तो ये आया देखिए 7-r factorial अपॉन 5-r factorial इज इक्वल टू,
ये हो जाएगा 2 6 12, 2 6 12, 7 माइनस आर को ओपन कर दे, 7 माइनस आर, 6 माइनस आर, 5 माइनस आर अपॉन 5 माइनस आर, 5 माइनस आर पे रोकेंगे क्योंकि ये नीचे वाले 5 माइनस आर फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 12 को आप चाहें तो ऐसा लिख दे 4 × 3, क्योंकि ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट है, 7 माइनस आर 6 माइनस आर इज इक्वल टू 4 × 3, तो 7 माइनस आर को 4 और 6 माइनस आर को 3 अज्यूम कर सकते हैं, 7 माइनस आर इज इक्वल टू 4 और 6 माइनस आर इज इक्वल टू 3, दोनों से सेम ही वैल्यू मिलेगी आर की, 6 माइनस आर इज इक्वल टू 3, ये जो आर है ये आर होल नंबर होता है, तो होल नंबर के केसेस में इसमें कंपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज फिर क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करना होती, तो ये आर का वैल्यू इससे भी 3 आएगा, आर का वैल्यू इससे भी 3 आएगा। तो ये था सेवेंथ का फर्स्ट पार्ट। अब देखिए सेवेंथ का सेकेंड पार्ट, वो है 5 PR इज इक्वल टू 6 PR-1। तो लकीली इसमें और उसमें थोड़ा सा ही फर्क है, ये जो सेकेंड पार्ट है इसका उसमें यहाँ ट्वाइस नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है, तो सब कुछ सेम है, 5 PR इज इक्वल टू ये जो सेकेंड पार्ट है 6 PR-1 है, तो यहाँ पर सब कुछ सेम है, केवल यहां पर वो 2 नहीं है, तो यहां पर हमारे पास क्या बचेगा इस केस में, इस केस में हमारे पास यहाँ पे 6 बच जाएगा, तो 6 को क्या लिख सकते हैं हम, तो 6 को देखिएगा लिख सकते हैं हम 3 × 2, 6 को लिख सकते हैं हम 3 × 2, 3 × 2, और अगर आप कंपेयर करेंगे इससे तो यहां 3 आ जाएगा, तो r का वैल्यू हो जाएगा 4, और यहां भी वही है, यहां इसको 3 से और इसको 2 से, क्योंकि ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है, और ये भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़ा वाला 3 के इक्वल है और छोटा वाला 2 के, इससे भी r का वैल्यू सेम आया। तो ये आपने देखा कि दोनों तरीके से r का वैल्यू सेम आएगा, चाहे तो आप क्वाड्रेटिक बना लें, क्वाड्रेटिक बना लेंगे तो फिर आपको एक वैल्यू रिजेक्ट भी करना पड़ेगी इस केस में, जो r की देख लें, मैं आपको बताता हूँ क्वाड्रेटिक, किसी किसी के मन में होगा कि क्वाड्रेटिक बना के क्यों नहीं कर रहे, तो क्वाड्रेटिक भी बना सकते हैं, 7 6 42 - 7R - 6R + R² = 6, और अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो आप आएगा आपके पास, यहां लिख देता हूं मैं, काम तो हमारा हो ही गया है, R² - 13R - 42 - 6, ये हो जाएगा 36, 36 = 0। अब इसके जो फैक्टर बनाने हैं हमें वो बनाएंगे 42, ओके करेक्ट है सब कुछ, ये 9 इसको स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा 9R और 4R, तो R - 9 R - 4 = 0, तो R की दो वैल्यूज आई, एक 9 आई और एक R की वैल्यू 4 आई, ये हमने क्वाड्रेटिक की मेथड से निकाली। तो जो हमारा एक्सप्रेशन था आपने देखा होगा, एक्सप्रेशन क्या था, जो सॉरी इक्वेशन जो गिवन थी सॉल्व करने के लिए वो इस तरीके की थी, 5 PR इज इक्वल टू 6 PR-1, तो इसमें R की वैल्यू 5 से, ध्यान से देखें, इस R की वैल्यू हमेशा 5 और 5 से कम होगी, क्यों कम होगी, क्योंकि NPR का वैल्यू क्या होता है, ये भी नोटिस करने वाली बात है, NPR का मतलब होता है N चीजों में से R चीजों को लेके जमाना, सिलेक्शन ऑफ R थिंग्स टेकन फ्रॉम N थिंग्स, या सिलेक्शन ऑफ R ऑब्जेक्ट, सॉरी कॉम्बिनेशन ऑफ R ऑब्जेक्ट्स, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ R थिंग्स टेकन फ्रॉम N थिंग्स, R चीजें N में से लेना है, तो जैसे आपके पास मान लीजिए ये
चार चीजें पढ़ी है, ए बी सी डी। तो अब चार चीजों में से आपने तीन ली और तीन को लेके जमाना है, तो हो जाएगा 4P3, 4P4। चार में से चार चीजों को सिलेक्ट किया और चारों को जमाया, चार में से दो को सिलेक्ट किया और जमाया, तो 4P2, सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। लेकिन 4P5 तो पॉसिबल नहीं होगा, चार चीजों में से पांच चीजें कैसे ले सकते हैं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इफ दिस इज नॉट पॉसिबल, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट आर इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू एन। आर की वैल्यू हमेशा एन और एन से कम होगी। एंड द सेम थिंग इज देयर इन एनसीआर। एनसीआर में भी वही चीज होगी, एनसीआर में भी आर की वैल्यू क्या होगी, लेस और इक्वल टू एन, क्योंकि हमें सिलेक्शन करना है आर थिंग्स का आउट ऑफ एन थिंग्स। आर चीजों का सिलेक्शन करना है एन चीजों में से, इसलिए इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, दिस शुड बी रिजेक्टेड। और द ग्राउंड इज शुड बी लाइक दिस, सिंस आर शुड बी लेस और इक्वल टू 5। अब इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है R माइनस 1 शुड बी लेस और इक्वल टू 6, तो ये कहता है R लेस और इक्वल टू 7, तो विच शुड बी कंसीडर्ड, इसके ऊपर जाना चाहिए कि इसके ऊपर, तो वी शुड गो टू दिस कंडीशन, इस कंडीशन पे जाना चाहिए, क्योंकि बोथ शुड बी ट्रू, दोनों ही ट्रू होना चाहिए, 7 से भी छोटा होना चाहिए, पर वो कह रहा है कि 5 से भी छोटा होना चाहिए, और जब कहते हैं कि दोनों ट्रू है तो फिर इट इज यूजलेस नाउ, फिर ये यूजलेस है। जैसे कि आपको कह दिया, किसी ने कहा कि भाई दो ए, 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 एक यूनिवर्सिटी है, एक यूनिवर्सिटी है, और एक प्रोफेसर कहते हैं कि भाई हम उन बच्चों को लेंगे जिनके 50% से, मान लीजिए ऐसा कह दिया उन्होंने, जैसे हम उन बच्चों को लेंगे जिनके 50% से कम मार्क्स हैं, उनको ही हम अपनी रिमेडियल क्लास में लेंगे। अब दूसरे प्रोफेसर ने कह दिया नहीं नहीं हम उन बच्चों को लेंगे जिन बच्चों के 40% से कम है, जिन बच्चों को 40% से कम है हम केवल उनको लेंगे, तो फिर हम किसको, फिर वो कौन से बच्चे सिलेक्ट होंगे, तो इसमें वही बच्चे सिलेक्ट होंगे। देखो फिर से मैं आपको कहता हूँ, एक मान लीजिए कि यूनिवर्सिटी है, एक इंस्टीट्यूशन है, एक स्कूल है, कहीं पे भी बोला एक दो प्रोफेसर है, एक प्रोफेसर ने कहा कि हम उन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे जिनके 50% से कम मार्क्स हैं, जिन उन स्टूडेंट्स के रिमेडियल के लिए। दूसरे ने कहा नहीं 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 50% में तो ज्यादा बच्चे आ जाएंगे, हम तो उन बच्चों को लेंगे जिनके 40% से कम है, तो फिर किन बच्चों को लिया जाएगा, तो इसमें वो स्टूडेंट्स सिलेक्ट किए जाएंगे जिनके 40% से कम है, तो इसलिए इन इस केस में इसको लिया जाएगा, दिस शुड बी कंसीडर्ड। हालांकि यहाँ पे तो आर की वैल्यू क्या है, हमारे पास 9 है, तो 9 तो 7 से भी बड़ी है, 5 से भी बड़ी है, फिर भी अदरवाइज भी मैंने आपके कंसेप्ट के लिए बताया कि जब ऐसी सिचुएशन होगी तो स्मॉलर शुड बी गिवन प्रायोरिटी, जब लेस देन और इक्वल टू का मामला होगा तो स्मॉलर शुड बी गिवन प्रायोरिटी, और जब ग्रेटर देन की बात होगी कभी तो जो बिगर है उसको प्रायोरिटी देंगे। जैसे ऐसा लिखा है कि आर शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ 7 दिया है, या यही मान ले कि आर शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 5 है और आर शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 7 है, तो दिस शुड बी गिवन प्रायोरिटी, इसको प्रायोरिटी देंगे, और लेस में इसको प्रायोरिटी देंगे, जो स्मॉलर साइड है, स्मॉलर जो कंडीशन है ना। तो इस तरीके से हम इस पे आउटपुट पे पहुंचे और आर का वैल्यू फिर क्या होगा फाइनली 4। ये था क्वाड्रेटिक वाला मेथड, हमने दोनों बातें समझ ली। 7th क्वेश्चन इज ओवर नाउ। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा ही रहा ये, वो कंडीशन आपको समझ में आ गई, और कभी क्वाड्रेटिक वाली मेथड से आप कर देते तो हो सकता आपके आंसर में गलती हो जाती, तो वो भी हमारी दुरुस्त हो गई, तो अब आपसे गलती नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, द वर्ड इज इक्वेशन, तो हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड्स इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। तो क्वेश्चन नंबर 8 है इक्वेशन वर्ड का, इक्वेशन एक वर्ड है, इक्वेशन। अब इक्वेशन वर्ड में
टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने हमें, तो आप पहले देख लें कि आर दे आइडेंटिकल, आर दे डिस्टिंक्ट और आइडेंटिकल. सो आई एम ऑब्जर्विंग दैट ऑल आर डिस्टिंक्ट, इनमें कोई भी एक जैसा नहीं है. एंड हाउ मेनी आर दे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये टोटल है हमारे पास 8 है. और टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बताना है यूजिंग ऑल ऑफ देम, टोटल वर्ड्स यूजिंग ऑल ऑफ देम, टोटल वर्ड्स. तो टोटल कितने हमारे पास 8 है, 8 में से 8ों को लेना है हमको और 8ों को जमाना है. सो सारे के सारे लेटर्स सिलेक्ट करना है, वी नीड टू सिलेक्ट ऑल द लेटर्स. 8 लेटर्स आर देयर, 8 आर टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम 8 एंड दे आर टू बी अरेंज्ड नाउ. तो 8p8 होगा इसका. 8p8 की वैल्यू कैसे निकलेगी, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 माइनस 8. 8 फैक्टोरियल बहुत बड़ा वैल्यू है और डिनोमिनेटर इज 0 फैक्टोरियल विच इज 1. सो इट्स आंसर इज फैक्टोरियल 8. और आप चाहें तो कैलकुलेट भी कर लें. तो दिस वॉज अबाउट क्वेश्चन नंबर 8. लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9 नाउ. अब हम क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो वर्ड है वो है मंडे. क्वेश्चन नंबर 9 में जो वर्ड है वो मंडे वर्ड है. तो मंडे डिस्कस करते हैं कि मंडे में क्या करना है आपको. मंडे में द वर्ड इज मंडे, और मंडे में पहला क्वेश्चन है, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि नो लेटर शुड बी रिपीटेड. रिपीट अगर होगा तो फिर हमें वी नीड टू बी वेरी केयरफुल देन. पर अभी हमारे पास कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है. तो इन्होंने पहला, इसमें देर आर थ्री क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन है 4 लेटर यूज्ड एट अ टाइम. तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बताना है, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर जब 4 लेटर्स यूज्ड एट अ टाइम. 4 लेटर्स यूज्ड एट अ टाइम. सेकेंड वाला जो है उसमें ऑल लेटर्स यूज्ड एट अ टाइम, ऑल यूज्ड एट अ टाइम. और तीसरा है हमारे पास, तो जब तक हम इसकी बात कर लेते हैं, 4 लेटर यूज्ड एट अ टाइम. टोटल है हमारे पास, ध्यान से देख लें आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 लेटर है हमारे पास. 6 में से हमें 4 का यूज करना है और 6 में से 4 सिलेक्ट करना है. तो 6 C4 होता, लेकिन हमें 6 में से 4 सिलेक्ट करना है और उन्हें जमाना भी है. तो इसका आंसर होगा दोस्तों 6P4. 6 लेटर में से 4 लेटर सिलेक्ट करके उनको जमाना भी है, क्योंकि उसमें पूछा है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, कितने वर्ड्स बना सकते हैं. तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इसकी आप वैल्यू निकाल लेना. 720 डिवाइडेड बाय 2, 360 आएगा इसका आंसर. अब बोल रहा है ऑल लेटर्स यूज एट अ टाइम. तो ऑल लेटर्स यूज एट अ टाइम मतलब 6 में से 6 को लेना है. 6 लेटर्स आर देयर एंड ऑल 6 आर टू बी टेकन. तो 6p6. अब और इसका वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल विच इज 1, और 6 फैक्टोरियल जो ऊपर वाला है इसका वैल्यू होगा 360. 0 फैक्टोरियल इज 1. क्लियर? 0 फैक्टोरियल इज व्हाट? तो 0 फैक्टोरियल इज 1. कीप दिस थिंग इन माइंड, दिस कैन बी आस्क्ड इन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन. ऑल लेटर्स यूज्ड एट अ टाइम, बट फर्स्ट इज वॉवेल. ऑल यूज्ड बट फर्स्ट शुड बी वॉवेल. पहला वाला जो है वो वॉवेल हो. तो वॉवेल्स कितने अपने पास, ये देखना पड़ेंगे. फर्स्ट शुड बी वॉवेल, तो सारे के सारे का यूज करना है, बट फर्स्ट शुड बी व्हाट? फर्स्ट शुड बी वॉवेल. तो वॉवेल पहला वाला होना चाहिए. तो वॉवेल्स कितने हमारे पास, वॉवेल्स आप देख लें. मंडे में 2 वॉवेल्स हैं, ए और ओ.
तो पहला वाला ए और ओ में से दो में से कोई हो सकता है, तो ए और ओ में दो में से कोई हो सकता है, तो पहला वाला ध्यान से देख ले, पहला वाला ओ हो सकता है या ए हो सकता है, तो उसके लिए हमारे पास दो चॉइस है। तो फिर हम बॉक्स वाली मेथड पे आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहां पर दो आ सकते हैं, ओ आ सकता है और ए आ सकता है, ओ या ए, तो इसको भरने की चॉइस हमारे पास है दो। मान लीजिए कि हमने इसमें से ए भर दिया, तो अगर हमने इसमें से ए भर दिया या ओ भर दिया, कोई भी एक भर दिया, तो आप ये समझ ले कि ए भरने से क्या हो जाएगा, आपका ए कम हो जाएगा वहां पर, टोटल बचेंगे आपके पास पांच, और ये बॉक्सेस भी कितने हैं, पांच हैं, तो पांच बॉक्सेस हैं और पांच ही आपके पास और लेटर्स बचे हैं, तो उनको कितने तरीके से भर सकते हैं, दे कैन बी फिल्ड इन 5P5 ways, उनको 5P5 तरीके से भर सकते हैं। और फर्स्ट वाला जो है वो वॉवेल है, तो वॉवेल्स के लिए अपने पास दो चॉइस है, तो ये आ गया आपके पास 2 × 5 × 5 − 5 × 5 5 − 5 = 0, विच इज 1, 2 × 5 = 120, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 240। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9, लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10। 10 में आपके पास वर्ड है मिसिसिपी, काफी कॉम्प्लिकेटेड है मिसिसिपी, तो मिसिसिपी में हमें बनाना है, लेकिन आप मिसिसिपी में माइंड करें कि इसमें रिपीटेशन हो रहा है, तो थोड़ा अलग ढंग से करेंगे हम मिसिसिपी। ये मिसिसिपी वर्ड है क्वेश्चन नंबर 10। और फोर आईज नॉट कम टुगेदर, क्या बोला है आपसे कि ऑल आईज नॉट कम टुगेदर, फोर आईज, चार आई है इसमें, नॉट टुगेदर, ये साथ साथ नहीं होना चाहिए, तो टोटल परम्यूटेशंस, इसका आंसर कैसे होगा, टोटल परम्यूटेशंस, टोटल अरेंजमेंट, टोटल परम्यूटेशंस। अब ये रिपीटेशन वाला केस है, तो रिपीटेशन के लिए मैंने एक एक्सक्लूसिव वीडियो भी बनाया है, आप उसको भी एक बार देखिएगा, जिसमें लेटर्स रिपीट होते हैं, तो उसमें काफी कुछ डिस्कशन है, तो आप उसको जरूर देखिएगा, और प्लेलिस्ट में जाके आप पिछले सारे वीडियो भी देखिए, तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। तो टोटल परम्यूटेशंस मतलब टोटल सारे की सारे लेंगे, सारे की सारे लेके सबको जमाएंगे, पर इनमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल हमारे पास है 11 फैक्टोरियल, इसमें से m एक भी बार रिपीट नहीं हो रहा, i चार बार हो रहा है, तो यहां पे आएगा 4 फैक्टोरियल, i के लिए है, तो यहां मैंने i लिख दिया है ना, यहां लिखने की जरूरत नहीं होती, फिर भी आप ध्यान रखने के लिए कि आप ये क्यों आ रहा है, ये 4 लिख दिया s के लिए, 2 लिख दिया p के लिए, p दो बार आ रहा है, s चार बार आ रहा है, ये तो टोटल परम्यूटेशंस हो गए, जो टोटल अरेंजमेंट टोटल वर्ड्स बनेंगे, इसमें से माइनस करना है कि ऑल आईज टुगेदर, यानी 4 आईज टुगेदर, क्योंकि हमको क्या पूछा है हमने कि 4 आईज नॉट टुगेदर, तो हमने ले लिया टोटल माइनस ऑल आईज टुगेदर। ऑल आईज टुगेदर के लिए क्या करेंगे, तो ऑल आईज टुगेदर के लिए हम सारे आई बच्चे से ले, वो बच्चे वाली एक थ्योरी मैंने सिखाई है, लेकिन हो सकता है ये वीडियो आप डायरेक्ट देख रहे हो तो वो आपको नहीं मालूम होगी, तो मैं आपको सिखाता हूं कि मिसिसिपी, तो ये एम एस 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 डबल पी और आई का एक ग्रुप बना लिया, सारे आई एक साथ भर दिए, आई 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 ये सारे एक साथ कर दिए, अब आप इसको काउंट कर लें, ये एक साथ समझिए कि हमने एक साथ चिपका दिया इनको, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो जाएगा 8, तो ये टोटल हमारे पास हो गए हैं 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल में ये जो रिपीट हो रहे हैं तो इनको आप टच नहीं करेंगे, s कितनी बार आ रहा है, 4 बार, तो यहां आ जाएगा आपको 4s और फिर आ जाएगा 2p और ये जो 4 है, ये 4 हम कितने तरीके से जमा सकते हैं, तो these 4
can be arranged in 4 factorial base, but they all are identical. They all are identical. So 4 factorial upon 4 factorial, और ये cancel हो जाएगा. 4 factorial upon 4 factorial cancel. अब इसका calculation भी थोड़ा सा important है. तो क्या common ले सकते हैं? तो आप इसमें से common ले सकते हैं 1 upon 4 factorial और 2 factorial common ले लिया. अब हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा? 11 फैक्टोरियल, 11 को लिख दिया, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल माइनस, ओके सॉरी, इसके अपॉन में भी आएगा 4 फैक्टोरियल. तो उस 4 फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं. 4321 माइनस, माइनस में आएगा 8 फैक्टोरियल. तो अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? तो इसमें से और क्या कॉमन लिया जा सकता है? तो इसमें से और कॉमन ले सकते हैं हम 8 फैक्टोरियल. तो 8 फैक्टोरियल भी कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखते हैं. तो ये आ जाएगा 8 फैक्टोरियल कॉमन, तो 8 फैक्टोरियल कॉमन अपॉन में आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और इसमें ये कैंसिल कर दें जो जो कैंसिल हो रहा हो. तो मेरे ख्याल से ज्यादा देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो जाता है. 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10 हो गया, 2 5 10, तो 5 3 15, 15 × 11, तो 15 × 11 कर रहा हूं मैं, 15 × 11, तो ये 15 × 11 है, 150 + 1 165, 165 अपॉन 4 माइनस 1, और 8 फैक्टोरियल हमने कॉमन ले लिया है. और इसके बाद आप और एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेंगे तो आपको आ जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 165 माइनस 1 माइनस 4 अपॉन 4, ये आपके पास आ गया 161. तो ये आप चाहें तो आप इसको और ओपन कर लेंगे, 8 × 7 फैक्टोरियल, तो ये आपका आ जाएगा, ध्यान से देखना है, 4 फैक्टोरियल इज 24 लिख ही देता हूं मैं, 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 161 अपॉन 4. ये 4 से कैंसिल हो गया, ये 4 से 4 2 जा, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 7 इंटू 161 अपॉन 24, 24 को ठीक है, 24 को 24 ले दें, लिख दें, 7 को अगर आप ओपन करेंगे तो फिर 7 6 5 4 3 2 1 अपॉन 24 इंटू 161. तो ये 4 3 12 2 24, ये 24 से कैंसिल हो जाएगा. अब आपके पास आ जाएगा 7 × 6 × 5, 7 × 30, 7 × 6 5 30 × 161, ये आपका आंसर होगा. अब इसमें आंसर देख लेते हैं एक बार कि 7.3 का क्या आंसर दिया होगा. हो सकता है जो शुरू में लिखा था वही हो, और नहीं तो हम देखते हैं, क्रॉस चेक कर लेंगे इसको. 7.3, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि टाइम थोड़ा लग रहा है, पर इसका कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको तो मजा आ जाएगा. तो आंसर ये है, क्वेश्चन नंबर 10 का है, 33810, तो 33810 आएगा आपका आंसर. 7 × 30 ये हो जाएगा 210 × 161, तो बराबर है आंसर, क्योंकि ये 0 × पहला डिजिट 0 आएगा और 1 × 1 पहला सेकेंड डिजिट 1 आएगा, तो यही आंसर आएगा आपका. तो आंसर इज दिस 33810. नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11. तो 11 में द वर्ड इज परम्यूटेशंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल दिल लगा के आपको समझना है. परम्यूटेशंस, द वर्ड इज परम्यूटेशंस, 7.3 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है. होपफुली आपको सब समझ में आया होगा, और चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, पीछे ना रहें, आगे बढ़ना है.
और वर्ड है परम्यूटेशंस, परम्यूटेशंस, परम्यूटेशंस। परम्यूटेशंस स्पेलिंग लिख दी है मैंने, परम्यूटेशंस। और पहला जो इन हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड परम्यूटेशंस इफ वर्ड्स स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। पहला क्वेश्चन है स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस, एंड एंड विद एस। पी से स्टार्ट होगा और एस पे खत्म होगा। तो मान लीजिए कि आपने पी यहां पर फिक्स कर दिया और एस को यहां पर फिक्स कर दिया। अब हमारे पास जो बचा हुआ है वो है ई आर एम यू टी ए टी आई ओ एन, पर ये बचा। अब इसमें देखिएगा, इसमें पहले तो आप देख लें कि कोई चीज रिपीट ना हो, लेकिन हाँ इसमें रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है? टी दो बार आ रहा है। तो ये टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये आ जाएगा आपके पास 10 फैक्टोरियल और अपॉन में ये जो दो टी रिपीट हो रहे हैं, तो ये लिख दिया मैंने दो टी। तो जब पिछले क्वेश्चन का आंसर देखा था तो इसके भी आंसर पे मेरी नजर पड़ गई थी, पर इसको उन्होंने कैलकुलेट किया है तो आप इसको खुद कैलकुलेट कर लेना। बहुत बड़ी वैल्यू है, 10 × 9 फैक्टोरियल, और ये जो 2 फैक्टोरियल है 2 × 1 है, तो ये मैं लिख देता हूं, तो ये 5 × 9 फैक्टोरियल। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप सेल्फ कैलकुलेट करें, आप कर लेंगे। वोवेल्स आर टुगेदर, सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, वोवेल्स आर टुगेदर। और थर्ड इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेकेंड में लिखा है वोवेल्स टुगेदर, वोवेल्स टुगेदर। तो सारे वोवेल्स साथ साथ होना चाहिए, ऐसा हमें पूछा है। तो वोवेल्स इसमें से हम ले लेते हैं, तो वोवेल्स हम ले लेंगे। तो वोवेल्स कौन कौन से हैं? ई ले लिया, ए ले लिया, आई ले लिया और ओ ले लिया, ये वोवेल्स है। अब जो हमारे पास बच गया वो क्या बचा? पी आर एम टी टी एन एस। अब इनको काउंट करेंगे, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये इसको एक मानेंगे, तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, क्योंकि इनको एक साथ रखना है। और इसमें दो टी रिपीट हो रहे हैं, तो यहां 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। फिर मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में टी, ताकि आपको ध्यान रहे कि क्यों हमने ऐसा किया है। पर ये जो चार हैं, ये चार ऐसे तो फिक्स नहीं होंगे जैसे लिखे, ये अपने आप को म्यूचुअली इधर उधर इंटरचेंज करेंगे तो 4 फैक्टोरियल आएगा। अब ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, तो 8 × 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल का वैल्यू मुझे याद है 5040 होता है, अपॉन में 2 फैक्टोरियल इज 2 × 1 इंटू ये 4 फैक्टोरियल इज 24। तो फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट वही होगी कि आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8 × 5040 × 12। तो मैं कैलकुलेट मैं कर देता हूं ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ जो लिखा है वो सब सही लिखा है। 8 × 50 हालांकि आपको वहां पर कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, आपको मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। 8 × 5040 × 12 बहुत उन्हें निकाल लिया होगा आपने, तो 483840 ये इसका आंसर है। और पिछले वाले का मैंने आपके लिए छोड़ दिया था, तो 5 × 9 फैक्टोरियल है, तो 5 × 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल का वैल्यू जैसे मैंने कहा था कि 5040 होता है ऐसा मान के, तो इसका वैल्यू है दोस्तों
14400। मैं भी एक बार चेक कर लेता हूं कि ये एकदम सही है कि नहीं है। तो ये था दोनों का आंसर, फर्स्ट और सेकंड का। अब इलेवेंथ का जो थर्ड है वो सब में अच्छा सवाल है, बस एक बार मैं आंसर वेरीफाई कर लूं फिर हम आगे बढ़ते हैं। 7.3 18144400 करेक्ट है, और ये है दोस्तों ओ सेकंड का आंसर 2419200 है। तो देख लेते हैं कि हमने क्या गलती की है, वो गलती देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये फिर से मैं देख लेता हूँ, इसमें लिखा है वॉवेल्स आर टुगेदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये टोटल हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसमें कोई रह गया है, अब वो रह कौन सा गया है उस पर एक नजर मार लेते हैं। देखिए आप देखो ध्यान से देखो कि हमने इसमें U को मिस कर दिया था, इसमें U भी है साथ में, इसमें U भी है। देखिए आप, अच्छा हुआ है हमने कैलकुलेशन पे ध्यान दे दिया, तो U भी साथ में है। तो अब हमारे पास ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 है, ये तो ठीक है। और यहाँ 4 फैक्टोरियल की जगह दोस्तों आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल का वैल्यू हो जाएगा हमारा 120। अब 120 को जब 2 से कैंसिल कर देंगे हम तो ये हो जाएगा 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 60। तो अब कैलकुलेट करेंगे इसको, देखते हैं। अब देखिए एक नजर बस थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, इसका आंसर होगा ये था 8 into 5040 into 60, ये आया 2419200 which is correct, एकदम सही आ गया आंसर। अब तीसरा सवाल है दोस्तों, तीसरा सवाल है there are always four letters between P and S, P और S के बीच में 4 लेटर्स होना चाहिए, ये तीसरा क्वेश्चन और सबसे अच्छा क्वेश्चन। तो साथ साथ आप देखते रहे, P और S के बीच में 4 लेटर्स होना चाहिए, there are four letters between P and S। तो ध्यान से सीखिए इसको, P और S के बीच में 4 लेटर्स होना चाहिए, तो यहां से P हटा देता हूं मैं, यहां से S हटा देता हूं। अब P और S के बीच में 4 होना चाहिए, तो P यहां हो सकता है, ध्यान से देखिएगा, P यहां हो सकता है, S यहां हो सकता है, P यहां हो सकता है, S यहां हो सकता है, P यहां हो सकता है, S यहां हो सकता है, P यहां हो सकता है, S यहां हो सकता है, क्योंकि P और S के बीच में 4 होना चाहिए, P यहां भी हो सकता है, S यहां हो सकता है, फिर आपका P यहां आ जाएगा और S यहां आ जाएगा। अब P यहां हो सकता है और S यहां हो सकता है, बस अब इसके आगे नहीं जा सकता। अगर आप P इसके आगे चला गया, P यहां से यहां चला गया, तो फिर 4 लेटर्स नहीं बचेंगे, फिर 3 हो जाएंगे। तो ये गिनती कर ले कि P की कितनी पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6 7, P की ऐसी 7 पोजीशन से, P की ऐसी 7 पोजीशन से, तो P कैन ऑक्यूपाई 7 पोजीशन। S की कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, S विल हैव टू फॉलो P, S को फॉलो करना है P, फिर से समझे, P की 7 पोजीशन से, P कैन ऑक्यूपाई 7 पोजीशंस एंड S विल हैव टू फॉलो P, इसलिए देयर इज नो इंडिपेंडेंट चॉइस फॉर S। बट अब ऐसा बोला है आपको कि P और S के बीच में 4 होना चाहिए, तो हमने P उधर लिया और S उधर लिया, पर ऐसा भी हो सकता था S उधर हो और P इधर हो, तब भी तो बिटवीन P एंड S कहलाएंगे, तो इंटू टू इसलिए करेंगे
कि दे में इंटरचेंज देयर पोजीशंस, पी इधर एस उधर की, पी और एस के बीच में चार होना चाहिए, तो किस साइड से होना चाहिए, इस साइड से या इस साइड से, ऐसा डायरेक्शन नहीं मेंशन किया। पी और एस के बीच में चार 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 चार, अब ऐसा भी तो हो सकता पी इधर और एस इधर, पी और एस के बीच में चार 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 चार, इस वजह से टू है। ये पी को फॉलो करेगा सेवन, इसलिए इसकी इस केस में कोई चॉइस नहीं रहेगी। पर हाँ, अब ऐसा हो सकता है यहां सारी जगह एस 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 आ जाए और यहां सारी जगह क्या आ जाए, पी 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 आ जाए, तो ऐसे दो केस हो सकते हैं। अब जो बचे हुए 10 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, 8 9 10, ये कितने तरीके से जम सकते हैं, 10 factorial upon 2 factorial, 2 factorial is 2, तो ये आ जाएगा आपका 7 into 10 factorial। तो 10 फैक्टोरियल को ओपन कर ले, 10 9 8, यहां तक की वैल्यू मैंने आपको पिछली बार भी बताई है, ये मुझे याद है 7 फैक्टोरियल की, वरना ये भी आप ओपन कर ले, तो ये आ जाएगा आपके पास 7 into 10 into, तो 70 into 9 8 72 into 5040। अब मैं इसको कैलकुलेटर से चेक कर लगे, आपके आंसर से क्रॉस चेक कर लूंगा, तो अब ना पक्का हो जाएगा कि आंसर सही है। 70 into 72 into 5040 = आया है आपके पास 2525,401,600, ये आंसर है। तो ये आंसर देखते हैं एक बार कि ये आंसर है, तो यही आंसर है 2540160, उसमें कॉमन नहीं लगा, तो यही आंसर है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, होपफुली आपको समझ में आया होगा। इन केस इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डाउट और डिफिकल्टीज, प्लीज कॉन्टेक्ट मी एट माई व्हाट्सएप नंबर, आई एम फॉर यू पीपल ओनली, और मेरी इच्छा है कि आप आगे बढ़े, देश आगे बढ़ेगा, खूब तरक्की करें और देश को सामर्थ्यवान बनाए, इसके लिए जरूरी है कि आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा हो। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों को बता दें और इसको मिशन को आगे बढ़ाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अच्छा मैथ्स सीख पाएं, और कोई प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप नंबर इज देयर। विश यू ऑल द बेस्ट।